हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, और आपका इंतजार ना एकदम खत्म हो चुका है बॉस, क्योंकि टाइम भी अब हमारे पास बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे टॉप मोस्ट चैप्टर्स है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी डिस्कशन एज सून एज पॉसिबल हम कर सके, और स्टार्ट हो गई है फ्रॉम टुडे। ओके, सो यार आज जैसे कि आपको बताया कि आज की जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट में सबसे टॉप पे है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बेहतरीन जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज है कंसेप्ट के साथ, जिन पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हमारे नीट के एग्जाम में और जेईई मेंस के एग्जाम में, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही 99% मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं। और अगर आपको आपको पता है, लिटिल बिट कंसेप्ट पता है, लेकिन फॉर्मूला तो भयंकर तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि टोटली फॉर्मूला डिपेंडेंट होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप ट्रस्ट करो बॉस, फॉर्मूला याद करके नहीं जाओगे। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ाने वाला है, ठीक है। सो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज इस सबसे पहले वीडियो में, मॉडर्न फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडर करना है दोस्तों फोटोन। ओके यार, सर फोटोन से मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल आता है? डेफिनेटली, ठीक है। सो फोटोन से एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। तो यू जस्ट रिमेंबर दैट, प्रैक्टिस करना, बढ़िया से नोट्स बनाना यार, ये शॉर्ट नोट्स बन गए आपके, बस ऐसे समझो मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बस आपने यहाँ पे लिखने हैं, याद करने हैं और अप्लाई करने हैं, दैट्स इट। टाइम बचेगा, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, कम ऑन कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे यार, बट याद रखने पड़ेंगे ना सारी चीजें जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला होने वाला है, मतलब सर हम यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहला, सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, दिस इज फॉर फोटोन। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फोटोन के बारे में। देखो यार, फोटोन के बारे में जो छोटी मोटी चीजें हैं थियोरेटिकली वो आपको पता होनी चाहिए, उसकी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट फॉर्मूले में जाऊंगा कि फोटोन से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल आ सकता है और उसका क्या फॉर्मूला है आपके पास, वो याद क्या रखना है, ठीक है। ओके, तो सर क्या करेंगे, देखो भाई फोटोन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो बोलता है कि अगर एक सोर्स है आपके पास, पॉइंट सोर्स है लाइट का, जिससे लाइट रेडिएट हो रही है, इमिट हो रही है ना, इससे लाइट बाहर निकल रही है, दिस इज द पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो पता है आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स इमिटेड, है ना, इस सोर्स से कितने फोटॉन्स इमिट होंगे पर सेकंड, लेट्स सी एन मैंने उनको बोल दिया है। तो ये पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पढ़ते समय, ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स, ये जो सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है, इसकी पावर होगी, कुछ पावर होगी, किसी पावर पे ये होगा, पी पावर होगी इसकी, ठीक है। तो पर सेकंड ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स ये इमिट कर देगा पर सेकंड, बस ऐसे याद रखो। तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला फॉर्मूला हमारा जो फोटॉन से न्यूमेरिकल आ सकता है, आता है आपके एग्जाम में, आप याद करके जाएंगे, क्या करेंगे सर, उस सोर्स की जो होगा सोर्स आपके पास, उसकी पावर निकालेंगे, डिवाइड में एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, एंड ये आपका हो गया फॉर्मूला। आप बोलोगे सर पावर गिवन होगी, नॉर्मली पावर गिवन होगी, पावर ऑफ द फोटोन गिवन होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन मे बी गिवन मे नॉट बी गिवन, जनरली नहीं देना, नहीं देगा आपको। तो भाई क्या करके आएंगे, इसके थ्रू एक और बेहतरीन चीज आपको मिल जाएगी। आपको सबको पता है, जब भी मैं एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूंगा, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, ये तब यूज होगा, यहाँ पे पुट करोगे जब फ्रिक्वेंसी गिवन होगी उस लाइट की, ठीक है। फ्रिक्वेंसी नहीं है तो क्या यूज करोगे, एच सी बाई लैम्डा, बस ये फोटोन की एनर्जी है। अगर ये नहीं गिवन होगा तो यहां से निकाल लेना, पहले यहां से निकाल लेना, यहां पटक देना, उड़ा देना बॉस। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, एन आ जाएगा पर सेकंड जो इमिट होंगे, दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो वो बहुत इजी होने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सट्रैक्ट करके, प्रीवियस ईयर सारी चीजों का रिसर्च करके, वो फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जिन पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में। आप टेंशन मत लेगा, आपका टाइम बचाया जाएगा, उसको सही जगह पे यूज किया जाएगा, कम से कम टाइम में हाई स्कोर भी तो करना है वो, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट वन, फर्स्ट आ गया फोटोन से रिलेटेड, ठीक है। याद रखना एनर्जी नहीं गिवन है, तो दिस इज द फॉर्मूला, यहां से आप निकाल सकते हो और यहाँ पे पटक सकते हो, उड़ा सकते हो, कैलकुलेशन करनी बस होती है उसके बाद, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे यार, बचपन से हम तक कैलकुलेशन ही तो सीख रहे हैं करने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो फोटोन की बात होगी, अब हम बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। कम ऑन गाइस, किसकी बात करेंगे,
डी ब्रोगली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब श्योर है कि क्वेश्चन डेफिनेटली आता है भाई, मतलब बिल्कुल आउटपुट यू नो यहाँ से क्लियर है कि आउट है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा। ओके लेट्स सी, कभी भी डी ब्रोगली की बात करें आपको पता होगा मैक्सिमम क्वेश्चन जेई मेंस में और नीट में इसी पे आते हैं। आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर के ही प्रैक्टिस कर लेना इस टाइम पे, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो भाई डी ब्रोगली का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यू नो बेसिक, वो क्या है सर, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ओवर पी लीनियर मोमेंटम, पी इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है सर, ये होता है भाई, ये होता है। ठीक है, अब चूंकि प्लैंक्स ये तो कॉन्स्टेंट है, मोमेंटम को चेंज किया जा सकता है, अगर उसने मोमेंटम नहीं दिया तो क्या देगा, ध्यान से समझना, मैं इक्वेट करता जाऊंगा। एच पी की जगह लिख सकता है वो अंडर रूट ऑफ टू एम के, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझना किस किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप टेंशन नहीं लेने का, आपको बढ़िया तरीके से बताई जाएगी वही चीजें। अच्छा सर, ये काइनेटिक मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये होता है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती थी पी स्क्वायर बाई टू एम, यहां से मैंने पी निकाल के रख दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर। ये इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सेम है, दो अलग अलग पार्टिकल है प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, उनका वेवलेंथ का रेशियो बताओ, उनके मास अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो क्या करके आएंगे सर, तब आप क्या करोगे, अंडर रूट में टू एम इंटू, अगर पोटेंशियल गिवन हुआ, क्या गिवन हुआ, पोटेंशियल गिवन हुआ, उन चार्ज पार्टिकल को अलग अलग पोटेंशियल पे रखा उसने, तो आपको पता है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, क्यू वी है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या होती है, क्यू वी पता है यार आपको, दैट इज क्यू वी, और वी क्या है सर, यहाँ पे पोटेंशियल है वोल्ट में और ये उसका चार्ज है, जो भी पार्टिकल होगा उसका चार्ज ले लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दूसरा, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, स्टार लगा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखते जाएंगे। तो वेवलेंथ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास और काइनेटिक एनर्जी पे रिप्रेजेंट करेगी, डिपेंड करेगी, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास पे भी, चार्ज पे भी और वोल्टेज पे भी। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, और क्या हो सकता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, एच बाई अंडर रूट में टू एम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, याद करो जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, अगर गलती से उसने बोल दिया कि भाई वहां पे हम जो पार्टिकल्स हैं वहां पे उनके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ओके, सो जब भी टेम्परेचर की बात करेगा तो भाई जो के की वैल्यू होती है ना एनर्जी की, वो होती है 3/2 kT, अगर मैं इसको ई मान लूं एनर्जी को, kT, के है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट और टी है यहाँ पे टेम्परेचर, टी है यहाँ पे टेम्परेचर, तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे ना बॉस, तो ये आएगा 3/2 kT और 2 से 2 कैंसिल, तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया आपके पास, मैंने समझा दिया आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा आपके पास 3 mkT, ये बन गया आपका। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, दोनों में आ चुका है क्वेश्चन दोनों में, तो K is the Boltzmann constant given होगा, ये आपको याद होना चाहिए, T is the temperature। देख भाई ये तीन expression, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तीनों पे बेहतरीन तरीके से numerical पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स, यू नो यू जस्ट रिमेंबर, कभी कभी तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, बस ये ध्यान रखिए, तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन किस पे, इस पे, फिर इस पे, फिर या तो इस पे, बस आप ध्यान दें, मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ एक्सेप्ट किया गया और आपके लिए बनाया गया, आप इन पे फोकस करें बेहतरीन एनर्जी के साथ, यू नो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का बॉस। ठीक है, अच्छा सर, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछ लिया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बॉस इसी के अंदर, ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड, इसी के अंदर अगर मैं देखूं वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आप अलग से याद करके जाएंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, बचा सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछी, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 12.27 और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज वी एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी निकल के। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछ रहा है और वोल्टेज गिवन है ना, वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा, नैनोमीटर में निकालना है तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, 1.227 हो जाएगा, यू जस्ट रिमेंबर डायरेक्टली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अदरवाइज ये आपके पास फॉर्मूला है ही, आराम से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, बेहतरीन तरीके से आप इसका यूज करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज मैं नोट करके बोनस के तौर पे आपको दे रहा हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन में यू नो हेल्प हो सके, आपको लगता है ना यार, देखो आपको पता है मैंने क्या बोला आपको कि मॉडर्न फिजिक्स से 99% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं,
हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम में और नेट के एग्जाम में, दोनों में। तो सर फिर मतलब कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन आ रहे, चक्कर क्या है? कैलकुलेशन, इसमें अपने आप में कैलकुलेशन यू नो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उनसे बचने के लिए आप क्या याद रखेंगे? भाई भाई इसको नोट कर लेना बेहतरीन तरीके से। ये क्या है सर? अगर कभी प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रेशियो की जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे 4.14 × 10⁻¹⁵। ये मतलब H की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, E की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, इस रेशियो को डायरेक्ट याद करके जाएं और आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा। दूसरा, तो अगर आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो 2 × 10⁻²⁵ जूल मीटर, समथिंग लाइक दैट, इतनी नियर अबाउट इसकी वैल्यू होती है। मतलब अगर कहीं पे HC होगा उसको आप इस नंबर से रिप्लेस कर सकते हो और आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है विदाउट लेंथी कैलकुलेशन। अदरवाइज यू हैव टू the value of C, then H, you know, multiply करोगे, बहुत time नहीं लग जाएगा, तो आप direct याद रखो, ये दो चीज़ तो at least direct याद रखो, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये था आपका De Broglie wavelength से related most important formulas और उनमें किस किस चीज की आपको requirement हो सकती है वो सब आपके सामने है, इन पे आप फोकस करेंगे। देखते हैं कैसे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते यार, बस प्रैक्टिस करनी है आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन की, यू नो कैलकुलेशन आपकी ऑसम होनी चाहिए बॉस इस टाइम तो बेहतरीन तरीके से। अब बात करेंगे नेक्स्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। ओके, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देख भाई सबसे पहली बात, क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, एक मेटल सरफेस है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द मेटल सरफेस, और इस पे जब हम एनर्जी, यू नो फोटोनिक एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं ना, तो आपको पता है ये जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है फोटोन्स की एनर्जी होती है, एच न्यू लिखोगे या एच सी बाई लैम्डा लिखोगे, ठीक है? अब इस मेटल्स के अंदर क्या होता है, हमारा काम क्या है, ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल के अंदर वो इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद बाहर भागेंगे, इमिट होंगे, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके पास मैक्सिमम होगी वो बाहर भागेगा, ठीक है? अब जिस मटेरियल से उसको निकाला जा रहा है उसका अपना खुद का वर्क फंक्शन भी होगा, वर्क फंक्शन भी होगा, समझो उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, डब्लू से मतलब ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो सबको पता है, ये तो बिल्कुल सबको पता है, क्लियर? क्या सर? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप किस तरीके से लिखते हो आइंस्टाइन साहब की, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, सॉरी जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये वाली इंसिडेंट एनर्जी, ये दो पार्ट में यू नो यूज हो जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के लिए और एक उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, के मैक्स, ये आप ध्यान रखेंगे, बेहतरीन ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, बस आपको यूज करना आना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि जब आप एनर्जी की यूनिट की बात करोगे तो सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और अगर मैं यहाँ से के मैक्स कैलकुलेट करूँ दोस्तों, तो मैं निकाल सकता हूँ E-W, और के मैक्स को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल के टर्म्स में Q into V naught, V का मतलब, V naught का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड मैं इसको लिख सकता हूँ E-W, आप देख सकते हो, ठीक है? और ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये W जो है फॉर्मूला, ये रहा, कन्वर्ट अपने अकॉर्डिंग करते जाओ क्वेश्चन में, टेंशन नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है आपके पास, व्हाट इज दैट सर? वर्क फंक्शन, ये एच न्यू नॉट होता है, ध्यान देना, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे तो ई से डिवाइड करेंगे और देखो एच बाई ई आ गया कि नहीं आ गया, और इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखाई थी 4.14 × 10⁻¹⁵, क्लियर है? और ये न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ रहा? अगर वर्क फंक्शन पूछेगा डायरेक्ट, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्लियर है? एच बाई ई इंटू न्यू नॉट, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एच सी बाई लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन होगी, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर ई से डिवाइड कर दिया, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, सबको पता होगा ना यार, ओके? ये रहा भाई, इतना याद रखना है सर। अच्छा सर, बस यही याद रखना है, बिल्कुल, बस इसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है? इसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्राफ, ओके? सो लेट्स सी, ये फ्रीक्वेंसी है और यहां पे लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हमेशा याद रखना, देखो अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊँ, ये वाई मान लो और यहाँ पे एक्स, इसके साथ ये न्यू नोट यहाँ पे एक्स जाएगा, तो ये ग्राफ बस आप डायरेक्ट याद रखो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? और जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब इस वाली को, वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे कट करेगा, यहाँ होता है वर्क फंक्शन।
तो ये ग्राफ इस तरीके से कट करेगा। ये ग्राफ भी पूछा गया है, कभी कभी ये ग्राफ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ग्राफ भी पूछ लेता है, ध्यान रखिए। और जेई मेंस में और नीट में ये आपने याद रखना है। और इसकी स्लोप जो होती है ना चांदी मेरे, स्लोप यानी टेंजेंट ऑफ थीटा अगर आप निकालोगे तो इसकी ग्राफ की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है और एच बाई ई के इक्वल होती है। एच भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, ये रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस पे जेई में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी तक इसमें केवल डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आया, बाकी तो आपको ओवरऑल सबके लिए, नीट के लिए और जेई के लिए आप इसको याद रखेंगे। तो दिस इज सफिशियंट, यू नो, इतनी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, इसका यूज करके जाएंगे, दैट इज सफिशियंट फॉर अस। ओके, किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी को अगर वेलोसिटी पूछे तो क्या लिखोगे? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग इक्वेशन बना सकते हो, बस याद ये रखना है, याद ऐसे रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये हो गई हमारी कुछ ऐसी बातें जो यूनिट का बहुत जरूरी है, यूनिट का ख्याल रखना लाजमी है, वरना सवाना आजमी है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट एटम्स रिलेटेड, यू नो उसमें कितने फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, उनका यूज भी तो करना है। ओके भाई लोग, अब बात करूंगा मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, मतलब इससे बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं भाई। डायरेक्ट छोटा सा एक कंसेप्ट है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के फॉर्मूले डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कैसे डील करोगे? अच्छा सर, मीनिंग क्या है इसका? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब सीधी सी बात है, जब अल्फा पार्टिकल का यूज करके किसी न्यूक्लियस पे उसको स्ट्राइक कराया गया था, तो वो कितने पास तक गया, न्यूक्लियस के पास तक कितने पास तक गया, ठीक है। सपोज करो इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, इधर से आ रहा है डू और यहाँ तक आया केवल, इससे आगे नहीं जा पा रहा, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितने पास तक उसके चला गया, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस ले लिया, बस इतना याद रखना है आपने। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं, जेड इज द एटॉमिक नंबर आपको पता है, और टोटल चार्ज की मैं इसकी बात करूंगा तो कितना होगा, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता है, तो जेड क्यू ई है ना, जेड टाइम्स ई, जितने भी उसके होंगे जेड टाइम्स हमने कर दिया, टोटल चार्ज जितना होगा। एक अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा होगा और अल्फा पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा, है ना, किसी वेलोसिटी के साथ, तभी इसके जाता है ना स्ट्राइक करने के लिए, तो बस ये यहाँ तक जाता है, उसके बाद वापस लौट आता है। तो ये मैक्सिमम इसके कितने पास तक गया, ये जो डिस्टेंस होती है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस ये याद रखेंगे आप, नॉर्मली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सर क्या फॉर्मूला याद रखने का पड़ेगा? ना कंसेप्ट, कंसेप्ट याद रख के जाना, उसी से क्वेश्चन डिपेंडेंस पूछे जाते हैं, बता रहा हूं ना कैसे पूछे जाते हैं। देखो जब अल्फा पार्टिकल जाएगा, आपको पता है हीलियम का न्यूक्लियस है 2He4, ठीक है, तो ये जब यहां इसके इतने पास तक जा पाया, वापस रिटर्न हो गया, मतलब अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है 2Q, है ना, 2Q होता है कि नहीं, इस पे भी चार्ज, इस पे भी, तो ये रिपेल कर देता है इसको, मतलब ये क्यों नहीं जा पाया होगा, इनके बीच में रिपल्शन हो गया होगा, ये यहां तक जाना चाह रहा था वापस आ गया, इसने इसको रिपेल किया होगा, देयर इज अ रिपल्शन, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन देम। तो बेसिकली इसकी जो एनर्जी थी जिसके साथ ये जा रहा था, यहां पे आपने एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ जा रहा होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसकी जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हैं। और आपसे बस पता है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, वो अल्फा पार्टिकल के मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, सिंपल देख निकाल लो यहां से। तो क्या करेंगे सर, आर नोट जब आप निकालोगे ना, तो आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, टू ऊपर जाएगा, ठीक है, एम ओ वी स्क्वायर। तो बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से इस रिलेशन को अगर और थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखूंगा तो आएगा टू के, के क्या है सर, ये 1/4πε0, ये तो पता है ना यार। Q1 क्या है, Q1 अल्फा पे चार्ज मान लो और Q2 इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज मान लो, तो अल्फा पे चार्ज है कितना बॉस, 2 टाइम्स ऑफ E इनटू, इसके अंदर चार्ज कितना है, Z टाइम्स ऑफ E, और नीचे क्या है सर, नीचे है एम वी स्क्वायर। तो यार बहुत क्लियरली आप लिख सकते हो R नॉट इज इक्वल टू 2K, ये है 2, 4 हो जाएगा, दिस इज 4K और ये Z है और E का स्क्वायर हो जाएगा ओवर एम वी स्क्वायर। ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसलिए आप इसको याद नहीं रख सकते, ये ऐसे याद रखोगे बहुत जल्दी करके आ सकते हो, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है।
तो सर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है? मुद्दे की बात तो यह है ना, देख भाई ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसकी डिपेंडेंसी पूछता है, जेड पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे। ये रहा देखो, यानी आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। अगर मास की बात की जाए तो ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए ये वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है जेई में और नीट में कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आएगा ना, आप देखो ना तह तक जाओ उसकी डायरेक्ट एनर्जी को अपने ढंग की जगह पे अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन उड़ा के आ जाएंगे। कम एफर्ट भी करोगे लेकिन स्मार्ट एफर्ट करोगे तो क्यों नहीं होगा, उड़ा डालेंगे ना यार। तो दैट इज सफिशियंट फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बढ़ेंगे आगे, और आगे हम बात करने वाले हैं बोहर मॉडल, और वो तो बेहतरीन है आपके लिए 100%। यहाँ से जितने भी फॉर्मूले मैंने सेलेक्ट किए हैं ना भाई, जिन पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आए हैं, समझिए मल्टीपल टाइम्स है ना, जिन पे ज्यादा रिपीट हो गए क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के हम डिस्कशन करेंगे। आप टेंशन मत लो, ठीक है, बस आप नोट्स बनाओ, बढ़िया से शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, और उनका यूज करना है, ठीक है। ओके, जब बात करते हैं बोहर मॉडल से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे लिए होने वाले हैं और किन पे डायरेक्ट 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 क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगे मैं, उनकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, बट उनका यूज करके जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उन्हीं की हम बात करेंगे, ठीक है। उसने बोला था वैसे भी कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज तो आपको पता ही है, ठीक है, इसकी ऑर्बिट में कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी डिस्टेंस होगी कुछ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमें नहीं पता, एनथ मान लो, तो उसकी जो रेडियस होगी ना ऑर्बिट की वो एनथ होगी, एनथ हमें, एनथ का मतलब सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ या उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या उस ऑर्बिट में जब वो घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बताओ उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं बॉस, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या इसके अंदर, सबसे पहले क्या रेडियस पूछे अगर एनथ ऑर्बिट की, तो दोस्तों याद रखना रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर बाय जेड। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट का नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस ऑर्बिट में है, एन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया क्या है, रिलेशन ही पूछ लिया जाता है कि एन तो ऑर्बिट में जो रेडियस है वो एन पे कैसे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर, एन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, और जेड एटॉमिक नंबर है ये, ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, ठीक है सर। दूसरा भाई, और इसको मतलब अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी है, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी इन एनथ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के। याद रखियो एन की पावर 1 है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट मैं वही चीज बता रहा हूं आपको जिस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सी क्या है सर इसमें, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम जो होगा ना उस एनथ ऑर्बिट में उसके घूमने का, एक चक्कर कंप्लीट करने का, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के क्यूब के और जेड स्क्वायर के, वेरी इंपॉर्टेंट। एन के डिपेंडेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एन की डिपेंडेंस, एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट का है उस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार नेक्स्ट डी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो सबको पता है, व्हाट इज दैट, उस ऑर्बिट में एनथ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तो भाई देखो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है तो सबको ही पता होगा, होना भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इस पे है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, इस पे अंदर को एक फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वहां से फर्स्ट मॉडल आपका बन जाएगा, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी दूसरा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो एन टाइम्स ऑफ इंटीजर मल्टीपल होता है, एच अपॉन टू पाई है, ठीक है, ऐसे आप याद रखियो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यूज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर करके आएंगे, बढ़िया तरीके से फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी का यूज आपने कैसे करना है ये आपके पास एकदम क्लियर है, और क्या चीज इसमें हो सकती है इनके अलावा, और क्या चीज हो सकती है आप ध्यान से देखो। अच्छा सर ये जो टोटल एनर्जी है ना, ये तो टोटल एनर्जी की बात करें भाई, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, चूंकि रोटेट कर रहा है वो घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी ना तो ऑर्बिट में, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल होगी सर। तो इनमें रिलेशन क्या होता है ध्यान से समझना,
जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी होती है, ये टोटल उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U, वो टोटल एनर्जी के 2 times होती है। ये रिलेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये रिलेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। और ये भी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, लेकिन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। यू जस्ट रिमेंबर दिस, क्लियर, यू जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। एंड दिस, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्या बनने वाला है सर इसके अंदर? नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड फॉर्मूला। याद भी आ गया होगा आपको किसकी बात करने वाला हूं और यूज उसका आपने कैसे करना है क्वेश्चंस बनाने के लिए। ओके बॉस, तो यार अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बहुत सारी सीरीज बनती है, यू नो, लाइमन, बामर, सब कुछ आपको पता है। इन सारी सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आप हैंडल करके आएंगे और किस पे फोकस करेंगे आप करेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि इसको तो ऑब्वियसली सब करके जाते हैं, ठीक है, फिर भी रिवाइज करना बनता है ना बॉस। तो यार देखो, सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल होता है उसका नंबर 1 है, और जो उसकी सेकंड स्टेट है वो दैट इज 2, थर्ड स्टेट, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, कहाँ तक होता है, इनफिनिटी तक, ठीक है ना सर। अब जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है ना, उसमें एनर्जी कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद रख सको आप, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड वाले में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में ही है, और ये 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस वाली में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत जरूरी है, अगर याद रख सकते हो कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाली है आपकी, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि जब यार ट्रांजिशन होता है हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, यू नो, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है, तो अगर वो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे आता है हायर स्टेट से, पहली पे आता है 2 से 3 से 4 से 5 से इन्फिनिटी से, जहाँ से भी आएगा पहली से आएगा, आपको सबको पता है, तो जो वेवलेंथ यहाँ से रेडिएट करेगा उसमें जो सीरीज बनेगी वो लाइमन सीरीज बनती है, और ये यूवी रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, आप सबको पता है। तो बोलेगा लाइमन के लिए जो वेवलेंथ होगी वो निकालो, और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/λ r z² 1/(n1)² - 1/(n2)² यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम है तो जेड तो वन होगा, अगर नहीं है तो जेड दे देंगे, लिख लेंगे। एन वन क्या लेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, मतलब मैं लिखूंगा जहां पर आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। एन टू किसको लेंगे सर, जहां से आएगा, जिससे भी आएगा, जहां से आएगा, ठीक है, वो वाली स्टेट का नंबर लेंगे। जैसे सपोज करो थर्ड से आ रहा है तो एन टू थर्ड हो जाएगा, जहां पे आ रहा है वन पे आ रहा है तो एन वन वन हो जाएगा, समझ गए। मान ले टू पे आ रहा है तो एन वन टू हो जाएगा, मान ले फाइव से आ रहा है तो एन टू फाइव हो जाएगा, इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यार बिल्कुल सही है यार, ऐसे आप याद रख सकते हो, आर तो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है आपको पता है, इसी का यूज करो, उड़ा डालो क्वेश्चन, बस फॉर्मूला मैंने आपको बताना था कि आप कैसे यूज करके आना है, ठीक है, ओके। और अगर वो टू पे गिरता है तो थ्री से गिरेगा ना या फोर से गिरेगा, हायर स्टेट तो वही है, तो यहाँ पे कौन सी सीरीज बनती है, बार्मर सीरीज बनती है, और बार्मर सीरीज भी निकाल लेंगे यार इसी फॉर्मूले से, कुछ भी निकालो, और बार्मर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन में होती है, ध्यान रखना, उसके बाद सब इंफ्रारेड, उसके बाद सब इंफ्रारेड, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर दिस वन, ये दैट इज सफिशियंट। कभी कभी क्या बोलता है कि जब ट्रांजिशन करता है वो, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनती है, कितनी वो वेवलेंथ रेडिएट करता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी आप निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। सो एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू से, ये तब है जब वो डायरेक्ट ग्राउंड पे आगे गिरता है, ठीक है। एन इज द यू नो एन कन यू नो जो वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है, ऑर्बिटल वैल्यू, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट नंबर जो आपके पास, अगर वो हमें पता चल जाए वो किस ऑर्बिट से आ रहा है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकल के आ जाएंगी, ठीक है, याद रखियो बॉस, ठीक है। अच्छा सर, ये याद रखना था इसमें, बिल्कुल इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके गाइस। सो यार अब हम बात करते हैं एक्सरे से क्या आ सकता है भाई। देखो एक्सरे से ना जेई वगैरह में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, नीट में लिटिल बिट कमी आए हैं अभी तक, बट फिर भी चूंकि आजकल आने लगे हैं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूला है छोटा सा प्यारा सा, याद रख सकते हो, ठीक है। एक्सरे में दो तरीके की यू नो रेज निकलती हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, ये आप ध्यान रखेंगे, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, आप समझ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो वो बोलता है कि मिनिमम वेवलेंथ बताओ, मिनिमम वेवलेंथ, जब भी वेवलेंथ की बात करेगा ना दोस्तों, मिनिमम वेवलेंथ की बात करेगा फॉर कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना 1 2 3 4 5 / v into this one।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये वी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल, दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, मतलब अगर वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज की बात करेगा तो वो बात करेगा क्या इसकी वेवलेंथ पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, यस इसकी वेवलेंथ पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, और न्यूमेरिकल आया तो ये रहा फॉर्मूला, एक्सरे कॉन्टिन्यूअस के लिए ये रहा फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। अगर सर कैरेक्टरिस्टिक के लिए बात करेगा तो मोजले लॉ यूज किया जाता है, 1/λ इक्वल टू ये बस डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की ये जो वेवलेंथ होती है डजन डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंड है ना, डज नॉट डिपेंड्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ऑन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। तो यार सर ये इस पे देखो, इस तरीके से इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जेई वालों के लिए ये जरूरी है, नीट में अभी तक नहीं आया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो जेड माइनस सिग्मा क्या है सर, जेड एटोमिक नंबर है, कोई भी एलिमेंट गिवन होगा आपको, सिग्मा क्या है सर, सिग्मा को दोस्तों बोलते हैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, इसको दिया जाता है नाम स्क्रीनिंग, आप याद रखें बस, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वैल्यू क्या होगी सर, 1 लेनी है, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन 1 लेनी है, क्यों, के अल्फा सीरीज होती है इसमें, के अल्फा सीरीज के लिए हमेशा 1 होगी, और वो के अल्फा के लिए ही देगा, आप टेंशन मत लो, और अगर नहीं दे रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये 1 लेके आना है, सॉल्व करके आना है, मतलब जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस आपको गिवन होंगे, एलिमेंट गिवन होंगे, उनकी वेवलेंथ अगर निकालू तो ये 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर मैं निकलूंगा यहाँ पे λ2/λ1 तो आ जाएगा z1-1/z2-1 का होल स्क्वायर, बस ये याद रखें आप, वो बोलेगा कि वेवलेंथ गिवन है, एक का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का इतना है, दूसरे का बताओ, जेड टू पूछ लेगा या जेड वन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, यू कैन यूज ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, बस दो फॉर्मूले आपने याद रखने, दिस इज वैलिड फॉर कॉन्टिन्यूस, दिस इज वैलिड फॉर कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमम वेवलेंथ जो होती है कॉन्टिन्यूस में वो पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, ये पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, ये बहुत गोल्डन पॉइंट है इसका, ठीक है, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लो आप सारे बेहतरीन तरीके से, टाइम भी हम काफी ले रहे हैं क्योंकि हमने समझना भी तो है, याद तो आप कर लेंगे ना, टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और हम उनको छोड़ के आ जाते हैं कहीं ना कहीं, रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर, जब हम एनर्जी किसी एरिया पे फोकस करते हैं ना, एनर्जी जैसे टॉर्च है, टॉर्च को आप फोकस कर रहे हो कहाँ पे, तो वो सारी एनर्जी किसी एरिया पे जाके फोकस होती है, तो कितना फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके भाई जल्दी से यार डिस्कस कर लेते हैं रेडिएशन, यू नो का जो फोर्स होता है, रेडिएशन फोर्स जिसको आप बोलते हो उसका क्या कंसेप्ट है, उस पर कौन से फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे लेकिन बहुत खोटे, यू नो चूंकि हम याद नहीं करके जाएंगे क्योंकि हम उनको इग्नोर कर देंगे, इसलिए हमारे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, और जब आप घर आकर देखते हो ना कि वो तुरी और छोटा सा तो फॉर्मूला ही था यार, काश मैं इसको याद करके चला जाता है, दैट्स वाई मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ सेलेक्ट किए हैं थारे वास्ते, ठीक है। अब इसमें तीन केस हैं, बहुत जरूरी है, दो केस नीट और जेई मेन दोनों के लिए हैं, लास्ट का केस केवल जेई मेन के लिए है ना, समझना आप, ठीक है। उसने बोला परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ अगर, कैसे सर, मान लिया मैंने एक सरफेस लिया ये, ठीक है, एक सरफेस ले लिया और इस पर एक लाइट को इंसिडेंट कराया और लाइट की रेडिएशन इस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रही है, ध्यान रखना ऐसे आ रही है, ये रेडिएशन है और ये इस सरफेस पे टकरा रही है, अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो टकराने के बाद वो वापस आ जाएंगी, टकराने के बाद वापस आ जाएंगे, समझ गए होंगे आप, इसको बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टकराई वापस आ गई, ठीक है, और 90 डिग्री पे टकरा रही है परपेंडिकुलरली, ध्यान रखना। तो बताओ ये रेडिएशन यहाँ कितना फोर्स अप्लाई करेंगी, इस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगी, इंपॉर्टेंट। तो कैसे निकालेंगे सर, ये रहा इसके लिए फॉर्मूला, तो जब भी फोर्स निकालना होगा तो 2P/C, छोटा सा है लेकिन बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बहुत ध्यान देना, पी क्या है सर, पावर, पावर पी क्या है, पावर, सी क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट, इफ पावर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू यूज दिस, पावर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड में सी, बस ये यूज कर लेना, हमारा क्या जा रहा है, आई क्या है सर, करंट नहीं है, इंटेंसिटी है और किस एरिया पे, यहाँ पे जो एरिया होगा उस पर टकरा रही है, जहां से आ रहा होगा मतलब उस पर टकरा रही है, ठीक है, ये ए हो गया उसका, ठीक है, या तो डायरेक्ट इसी से हो जाएगा, पावर नहीं दे रखी है तो इंटेंसिटी इंटू एरिया कर देना, सी तो हमें पता होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये यूज करना है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है सर। अब दूसरा इसमें बी क्या होगा, बी पार्ट, अच्छा सर अगर वो सरफेस ना परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो गया, लाइट आई और उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट आई
और इसको एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो बस टू हटा दो यहाँ से, तब फोर्स होगा पी बाई सी लिखो या आई ए बाई सी लिखो, इंटेंसिटी इनटू एरिया। आसान है ना, बस याद ही तो रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं इस पे आजकल, क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, आप टेंशन नहीं लेने का मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो यार सर मतलब वाओ यार, इतने छोटे छोटे फॉर्मूले में क्वेश्चन आते हैं, यस। बस कैलकुलेशन का वहाँ पे ख्याल रखना है, कैलकुलेशन धुरंधर होती है, वो यू नो पॉइंट्स में वैल्यूज होती है, उनको मल्टीप्लाई करना, उनमें टाइम लगता है, फॉर्मूले आसानी होते हैं, बस याद रख के जानी है, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा सर इसमें, ठीक है, सी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली फॉर जेई एस्पिरेंट्स एंड दिस इज बोथ वैलिड फॉर यू नो नीट एंड जेई बोथ, बट ये नॉर्मली किसमें आएगा, जेई के एग्जाम के लिए ही है। उसने बोला यार सर अगर वो सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है ये किसी एंगल पे कर रही है, ठीक है, किसी एंगल पे, समझ गए, तो एंगल पे, और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एंगल पे कर रही है, तो जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये रहा 2p, बस cos थीटा ले लेंगे, बस फॉर्मूला याद रखो, कहाँ से आया कैसे आया हो गया तेल लेने फिलहाल, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ये यूज होगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, और अगर एब्जॉर्बिंग है तो 2 हटा देना, यू जस्ट रिमेंबर, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं गिवन होना चाहिए, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो नहीं आएगा जेई में, ये आप याद रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीन एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ही तो याद रखने हैं सर, डायरेक्ट ही याद रखने हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, देखो ये याद रख सकते हैं, अब न्यूक्लियाई के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियाई से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनको आप फोड़ के आ सकते हो। फील आ रहा है धीरे धीरे, पता चल रहा है कि किस पे एनर्जी फोकस करनी है ना, बहुत जरूरी है ना। देखो ना बहुत मेहनत लगती है यार चीज़ों को निकालने में, और बहुत सारे पेपर प्रीवियस 10 ईयर्स एंड करंट के पेपर्स को देखना पड़ता है कि किस पे मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है चीज़ें, तब बनाई जाती हैं। हमारा मेन टारगेट बताया गया है आप लोगों के टाइम को बचाना और आपकी एनर्जी को एक ऐसी जगह फोकस कराना जहाँ से आउटपुट ज़्यादा निकले। आप बस शिद्दत के साथ मेहनत करते रहे, जो आपको सिखाया जा रहा है मैं दूंगा, आपको बेहतरीन चीज़ें दूंगा, बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा, और वो सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमने टारगेट रखा है एटलीस्ट 120+, अदरवाइज 165+ भी कर सकते हो अगर आपने बहुत मेहनत की है, वो भी यू नो आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू नो उन पर्टिकुलर चैप्टर से इतना स्कोर तो हम फोड़ के ही आएंगे, वो एटलीस्ट रहा हूं, टारगेट तो कुछ और ही है, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियाई वाले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे लिए है जल्दी से, ओके गाइस। जब बात करेंगे यार हम लोग न्यूक्लियाई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो फॉर्मूला जो होने वाले हैं हमारे लिए, यानी जिन पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन पे हमने डायरेक्ट फोकस करके यू नो करके आना है, ओके। सो लेट्स सी, तो सबसे पहला फॉर्मूला सबसे बेहतरीन दोनों एग्जाम के लिए जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यू नो व्हाट इज दैट सर, 8 नंबर पे जा रहा हूं मैं, ओके, दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ओके। अगर आपसे साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेगा तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के, उसी से आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सो सर ये क्या है, मतलब रेडियस आपका फॉर्मूला होएगा ए की पावर 1/3, ओके। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन एक्चुअली, ओके। सो आर इज द रेडियस, और ये ऑब्वियसली फर्मी में इसकी वैल्यू होती है, नॉन वैल्यू है आर नॉट, बस आप याद रखें, कहने का मतलब जो साइज होता है ना यहाँ पे, ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस आपको गिवन होंगे, ठीक है, और वो बोलेगा उनकी रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करो, दो अलग अलग न्यूक्लियस दे देगा, उसका उनका एटॉमिक मास ले लेना, यहाँ पे पुट अप कर देना, कर लेना, मतलब अगर रेशियो बनाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, A1/A2 ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है आपके पास, और होल पावर 1/3, मतलब यू जस्ट रिमेंबर दिस वन, इसको आप याद रख सकते हो, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो उन दोनों न्यूक्लियस के एक की रेडियस गिवन होगी, दूसरे की पूछ लेगा, उनके दोनों के एटॉमिक मास यू नो ऑब्वियसली वहां पे गिवन होगा, जो भी दे देगा यार न्यूक्लियस, किसी का भी दे सकता है वो, यू नो किसी का भी है ना, वो भी याद रखेंगे, एक ही ओबिन बन गया न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियन में एक ये आपने याद रखना है, साइज का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे डायरेक्ट ही, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो छोटा सा क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आई मीन छोड़ के आ जाएंगे हम तो मिस हो जाएगा ना एक तरीके से हमारे से, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है व्हाट इज दैट, वो है बाइंडिंग एनर्जी, तो जब भी आपसे बात करेगा ना बाइंडिंग एनर्जी की, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे MC square,
वैसे तो यही होता है, स्टैंडर्ड तो यही होता है, बट अगर मास डिफेक्ट के बारे में बात करते हो बाइंडिंग एनर्जी, तो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सी की वैल्यू पुट करके और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया गया है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, जहां पे डेल्टा एम है आपका मास डिफेक्ट, दिस इज योर मास डिफेक्ट, ध्यान रखेंगे दिस इज योर मास डिफेक्ट। सर मास डिफेक्ट अगर गिवन नहीं हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ यू कैन कैलकुलेट, डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियॉन्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना प्रोटोन न्यूट्रॉन, उनके मास का डिफरेंस न्यूक्लियस के मास के साथ, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ए का मतलब न्यूक्लियस के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, न्यूक्लियॉन्स आपके पता है पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, किसी भी यू नो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, अगर इनका मास निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, न्यूक्लियॉन्स के मास को, मास ऑफ प्रोटॉन एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे तो जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एक तो होंगे नहीं तो कैसे निकालेंगे सर, ए माइनस जेड टोटल न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन सॉरी माइनस एक्चुअल मास। तो भाई यहां से ना आपको डेल्टा एम मिलेगा, ये ध्यान रखना, आप यहां पे पटक देना बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जब भी बात करेगा ना पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये रेशियो यूज किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, इन पे आप फोकस करेंगे बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आ जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये है आपके पास, मतलब ये आपने याद रखना है, दिस वन एंड दिस वन, साइज की बात कर ली हमने, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर ली, और किसको किस तरीके से यूज करना है दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे कोई न्यूक्लियस आपको दे दिया ना, ये उसका एटॉमिक नंबर होएगा, ये उसका एटॉमिक मास होएगा, तो निकाल लेंगे यार, कुछ भी दे रखा होगा आपको, इस तरीके से हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसमें और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं वो सारी बात करेंगे, जैसे रेडियो एक्टिविटी आ गया, बस वही है ना लास्ट हमारे पास, ठीक है, उसी की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है रेडियो एक्टिविटी जो लॉ होता है उसमें जो यू नो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जाएगा नंबर ऑफ, किस पे नंबर ऑफ, ध्यान से समझना जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ अनडिकेड, ठीक है, अनडिकेड न्यूक्लिया है ना, अनडिकेड न्यूक्लिया की बात करेगा, है ना, कितने वहां पे न्यूक्लिया डिके होने के बाद बच गए हैं, अनडिकेड जो है अब जो बचे हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देना इस पे, ये बहुत जरूरी है। हम निकाल सकते हैं n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, आप सबको बताइए एक्सप्रेशन, यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर द अनडिकेड यू नो जो बचे हुए हैं, एंड दिस इज द इनिशियल यू नो इनिशियल न्यूक्लियाई कितने थे, इनिशियल उनका नंबर कितना, वो ये है लैम्डा डीके कॉन्स्टेंट है, आप सबको बताया दिस इज योर डीके कॉन्स्टेंट, और ये उसका टाइम पीरियड है, उसकी लाइफ है, मतलब टोटल लाइफ टी है ना, है ना, ये याद रखना है आपने, दिस इज डीके कॉन्स्टेंट या डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, आप याद रख सकते हो। अब इसी में ये तो हो गए अनडिकेड, अगर नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई पूछ ले कि डीके कितने हो चुके हैं, डिकेड न्यूक्लियाई कितने हैं, अगर वो पूछे तो लेट्स सी वो है n डैश, तो n डैश आप कैसे निकालोगे, कितने डीके हो चुके हैं ओरिजिनली, कितने हैं n नॉट, बचे कितने हैं n, तो ओरिजिनल में से जो बचे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, पता चल जाएगा ना कितने डीके हो चुके हैं, और ये n की वैल्यू यहां से यहां पे पटक देना तो n डैश आपके पास बन जाएगा n नॉट माइनस n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, आप कॉमन लेंगे n नॉट, ये बचेगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, दीज आर द डिकेड न्यूक्लियाई, इतने आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालनी पड़े ना, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, देखो जो बचे हुए हैं ना ये वाले, इनको ओरिजिनल से डिवाइड करो और आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन, अनडिकेड न्यूक्लियाई का फ्रैक्शन आ जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता फ्रैक्शन बताओ उनका, तो निकाल लेना यार, है ना, बस मुद्दे की बात क्या है, विच वन इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वो आपने याद रखना है, ठीक है। सो ओके लेट्स सी, अच्छा सर और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यू नो यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सम टाइम डीके कॉन्स्टेंट इफ नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो डीके कॉन्स्टेंट को आप कहाँ से निकालोगे, एल एन ऑफ टू बाई टी हाफ से, यहां से निकालेंगे, समझना। सो ये हो गया डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा टी, आप मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड है ये, और ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और ये रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए, बहुत यूज होगा इसका इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अच्छा यार सर एक और फॉर्मूला होता था वो भी तो हमें याद है, इसी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, अगर आपको डीके कॉन्स्टेंट नहीं दे रखा है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की बात कर रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट
1/2 की पावर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कब यूज होगा, व्हेन डीके कांस्टेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो एन क्या है सर, ये है टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो बनेंगी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे सर, एन हमेशा निकलेगा टोटल लाइफ जो उसकी होगी डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, इसको ऐसे याद रखिए आप, सिंपल यार यही तो है, देखो इसी पे फोकस कर लेना, हो गया बात बन जाएगी हमारी, उड़ा डालेंगे हम सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी से सॉल्व करके यू नो आपको सॉल्व करने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं जिनका आपने यूज करना, बस आपको यूज करना आना चाहिए। ओके यार अब मैं एक तरीके की मेशन की ओर बात कर लेता हूँ जो ज्यादातर जैसे कि मैंने आपको बताया वो केवल मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आईआईटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट में रेयर ही पूछा जाएगा। सो फोकस कर लेते हैं, फिर भी दोनों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे बात करेगा साइमल्टेनियस, ठीक है, इमिशन, अगर साइमल्टेनियस इमिशन हो रहा है मतलब कोई एक एलिमेंट आपके पास रेडियो एक्टिव, ठीक है, और ये डीके कर रहा है साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में, X1 X2 में, इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा 1 और इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ इसका नेट लैम्डा क्या होगा डीके कांस्टेंट, तो आपने क्या करना है लैम्डा 1 + लैम्डा 2 डायरेक्ट यू कैन यूज। अगर आपसे पूछा गया हाफ लाइफ बताओ इसकी नेट इफेक्टिव क्या होगी, हाफ लाइफ इफेक्टिव क्या होगी, इफेक्टिव हाफ लाइफ यू हैव टू कैलकुलेट, ओके, है ना। तो आपको पता है यार हाफ लाइफ जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे आप पुट अप कर देंगे हाफ लाइफ आ जाएगी आपकी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, अगर टाइम आपसे पूछ बैठे जो उसमें यू नो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो उसमें अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट दे रखा है तो कितने टाइम के बाद ऐसे हुआ होगा, तो भाई उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेना n0e^-lambda n^(lambda net) इंटू टी, इसका आप यूज करेंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ये निकालना है और ये आप यहाँ से निकाल लेना, और आपसे टी पूछेगा, ये गिविन होगा, सब कुछ गिविन होगा, एंड साइमल्टेनियस इमिशन में ही ये कंसेप्ट यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके ये हो गया सर, अब जो नेक्स्ट आएगा 12 में, ठीक है, कभी कभी वो आपको रेडियो एक्टिविटी की बात करेगा और न्यूक्लियाई की नंबर ऑफ न्यूक्लियन की बात नहीं करेगा, वो उसकी जगह आपको बोल देगा रेडियो एक्टिविटी इतनी है और इतनी हमें इस टाइम के बाद चाहिए या डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। ओके सो अब जो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट यू नो फॉर्मूला आपसे यूज करा सकता है दोस्तों वो है रेडियो एक्टिविटी, है ना। जब भी वो बात करे ना रेडियो एक्टिविटी का नाम ले अगर, ठीक है, एक्टिविटी का, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जहाँ पे एन है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियर वहाँ ए लिख लेना और इसकी जगह ए नॉट लिख लेना और e^-lambda t, ये एज इट इज यूज होगा एक्टिविटी के लिए भी सेम। तो अगर सर लैम्डा नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, a = a0 × 1/2 की पावर n, एन आपको बताइए नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, इनको आप निकाल सकते हो टोटल लाइफ टी डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम से, यहां से निकाल सकते हो, तो सेम थिंग यू नो यू जस्ट रिमेंबर। आपको बताया रेडियो एक्टिविटी को हम लिखते हैं डिसइंटीग्रेशन dN/dt, इसी को लिखते हैं λ × n, ठीक है, इसी को लिखते हैं λ × n, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक्चुअली दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यहीं से आप निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, याद रख सकते हो, टेंशन नहीं लेने का, जैसे इसमें फॉर्मूला वैसे सेम इसमें फॉर्मूला है, सेम टाइप से ये यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिनकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस और कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, पूरे कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स में इतने फॉर्मूला आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाएंगे, और बहुत टिपिकल नहीं है क्योंकि कम ही है, है ना, हमने बहुत सारे चीजें छोड़ दी हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यार अब हम बात करने वाले हैं यू नो अल्फा बीटा एंड गामा इमिशन, ठीक है। सो गामा इमिशन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली आपको बताया न्यूक्लियस पे, अल्फा बीटा इमिशन से पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा इमिशन, सपोज करो हमारे पास कोई यू नो एलिमेंट है ना न्यूक्लियस का जेड ए, और इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, एक के लिए बात करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो एक नया न्यूक्लियस X1 बन जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने से क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी माने जाते हैं, आपको पता भी होगा हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो यार आपको बताया इसके जेड में 2 का डिक्रीमेंट होता है और ए में एटोमिक मास में 4 का डिक्रीमेंट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। 14 नंबर पे क्या याद रखना है, अगर अगर उससे उसी से जेड ए एक नया एलिमेंट बना रहे हो लेकिन बीटा निकल रहा है, समझना बॉस, बीटा, बीटा दो तरीके के होते हैं, एक तो या तो बीटा बोलेगा या बीटा नेगेटिव बोलेगा, ध्यान से समझना, या तो केवल बीटा ही बोल देगा कि बीटा पार्टिकल निकल रहा है या नेगेटिव बीटा, नेगेटिव बीटा का मतलब क्या होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जेड में
एक इंक्रीज कर जाएगा, बीटा निकले या बीटा नेगेटिव निकले एक ही बात है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी से बीटा निकले, ठीक है, बीटा निकले लेकिन पॉजिटिव वाला बीटा निकले, है ना, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव वाला निकल रहा है, तो उसका जो जेड है वो एक से इंक्रीज करेगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन पे बस ख्याल रखना है आपने कि कौन से बीटा की बात कर रहा है ना, ये ध्यान रखना है, आप आराम से कर सकते हो। तो अल्फा पार्टिकल से 4 कम हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर 2 से कम हो रहा है, बीटा निकलने से यानी बीटा नेगेटिव निकलने से जेड 1 से बढ़ रहा है और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और बीटा पॉजिटिव निकलने से जेड यहाँ पे कम होगा, ठीक है, बीटा पॉजिटिव निकलने से जेड कम होगा 1 से, ये ध्यान रखियो, ठीक है। सो ये याद रखना है और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट आज का फॉर्मूला जो यू हैव टू रिमेंबर मेंस के लिए और नेट के लिए दोनों के लिए, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, ध्यान से। अगर आपसे पूछे कि सर एक न्यूक्लियस था एक्स, ठीक है, उसको कुछ जेड दे रखा है Z1 और ए दे रखा है A1, और उससे कोई दूसरा न्यूक्लियस बन गया इमिशन प्रोसेस के थ्रू, और उसका Z2 कुछ ये हो गया, A2 कुछ ये हो गया, बताओ कितने अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकले होंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ भी दे सकता है वो, अलग अलग न्यूक्लियस दे सकता है आपको, तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड टू फॉर्म दिस न्यूक्लियस टू दिस, है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जब भी पूछे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ध्यान रखना, पहले वाले का एटॉमिक मास माइनस जो नया बना है उसका एटॉमिक मास डिवाइड में 4 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, पूरा इस तरीके का गणित आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखें, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक बार अल्फा पार्टिकल दे गया तो बीटा पार्टिकल तो ईजिली निकाले जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गाइज, टॉप 15 एक्सप्रेशन है, तो 15 फॉर्मूलाज है, उनके अंदर कुछ सब फॉर्मूलाज है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल एंड रिटन प्रैक्टिस करनी है, और तुरंत लिखने के बाद इनका यूज करना है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 15 फॉर्मूला पे डिपेंडेंट एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपने पूरे चैप्टर के करने हैं, जिससे आपको आ जाए और एप्लीकेशन करना आ जाए और मजा आ जाए, आपको याद भी हो जाएंगे सारी चीजें, ओके। तो यार ये पहला वीडियो हमारा, पहला लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज आपके पास होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास होने वाले हैं, अब बेहतरीन तरीके से इनकी आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज के साथ, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।